जब बच्चों का हो कुछ मीठा खाने का मन, तो क्यों ना आसान विधि से घर पर ही बनाएं ये टेस्टी और मज़ेदार सी मिठाई, जो जल्दी से बनके तैयार हो जाएगी और खाने में भी काफ़ी टेस्टी है। तो देखिए, मैंने 1 लीटर दूध लिया है, इसका मैंने आधा तो रख दिया है एक कढ़ाई में, इसकी हमने रबड़ी बनानी है और आधे को हम फाड़ के इसका पनीर बनाएंगे, पनीर या छेना आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इस रख दिया दूध को और इसको हम धीरे धीरे एक दो बार बीच में चलाते रहेंगे, इसको हमने गाढ़ा कर लेना है। इसे एक दो बार बीच में चेक कर ले, कहीं एक बर्तन पे लगे ना। तो देखिए, दूध हमारा गर्म हो चुका है, ये उबलने लगा है, तो गैस को कर देंगे बंद, इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इधर कढ़ाई का दूध भी उबलने लगा है, तो देखिए दूध ठंडा करने के लिए मैंने इसमें ठंडा पानी डाल दिया है। जब कभी भी आप छेना बनाएं तो एकदम गर्म दूध में नींबू ना डालें। तो देखिए, मैंने एक नींबू लिया था, उसका रस निकाल लिया, अब थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें नींबू का रस मिलाना है, एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालें। तो देखिए, दूध में मैंने 2 बार नींबू का रस डाला है, तो दूध हमारा अच्छे से फट चुका है। इसमें थोड़ा नींबू और डाल देंगे तो दूध हमारा अच्छे से फट चुका है। तो इसको हम निकाल लेंगे, छेने को अलग और पानी को अलग। तो देखिए, मैंने एक साफ़ सूती कपड़ा ले लिया है, इसको एक बर्तन पर रख देंगे और इसमें से हम देखिए पानी निकालते हुए जो हमने पनीर फाड़ा है उसको निकाल लेंगे। मैंने ये 1 लीटर दूध में दोनों चीज़ रबड़ी और पनीर दोनों बना लिए, अगर आपके पास ज़्यादा दूध हो तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो देखिए, पनीर हमारा अच्छे से निकल चुका है, इसमें मैंने थोड़ा चिल्ड पानी और डाल दिया है ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर वो भी निकल जाए और पनीर हमारा अच्छे से निकल आए। तो पनीर निकल चुका है, इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस पनीर को देखिए इस तरह से मैश करते हुए बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है, चिकना कर लेना, ताकि इसमें कोई क्रैक्स ना पड़े। इधर मैंने गैस पर एक बर्तन रख दिया है, उसमें डाल दिया मैंने आधा कप चीनी और 2 बार डाल दिया पानी। आधा कप चीनी में मैंने 2 बार हाफ हाफ करके पानी डाल दिया, जितनी आप चीनी ले उसका दुगना आप पानी डाल दें। इधर दूध भी हमारा गाढ़ा हो रहा है, तो देखिए पनीर को मैंने अच्छे से चिकना कर लिया, तो इसकी हम बॉल्स बना लेंगे इस तरह से। बॉल्स बनाने के बाद इसको हथेली के बीच में रख के इस तरह से देखिए चपटा कर देंगे, तो रसमलाई हमारी बन रही है। तो 1/2 लीटर दूध में हमारी 5 रसमलाई बनके तैयार हुई है। तो इसको हमने डाल देना है उबलती हुई चाशनी में, इसको हमने 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे। तो दूध भी हमारा गाढ़ा हो चुका है, तो गैस को कर दिया मैंने बंद। अब इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स में डाल दिए हैं बादाम और थोड़ी सी डाल दी इलायची का पाउडर, अगर आपके पास केसर के धागे हो तो वो भी डाल सकते हैं। केसर के धागों से क्या होता है, इसमें कलर अच्छा आता है। अब इसमें जो हमने रसमलाई उबलने के लिए रखी थी चाशनी में, उसको इसमें डाल देंगे और इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें, हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। तो देखिए, 1 लीटर दूध में हमारी रसमलाई कितनी बढ़िया और टेस्टी सी बन के तैयार हो चुकी है। इस चाशनी को हम फेंकेंगे नहीं, इससे आप मीठी पूरी या गुलगुले बना सकते हैं। तो देखिए, फ्रिज में रखने के बाद टेस्टी सी रसमलाई हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। रबड़ी भी हमारी कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है, इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये खाने में काफ़ी टेस्टी, और देखिए हमारी एक भी रसमलाई फटी नहीं है, टेस्टी और मज़ेदार सी रसमलाई घर पर ही बनकर तैयार हो चुकी है, और वो भी 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। मन करे तो ये रेसिपी घर पर ज़रूर बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।